वेलकम गाइस, बाइंडी टू प्रयागराज में मैं आशीष मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट कैसे वर्क करती है। तो आज हम लोग उसके आगे देखते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा नोट्स को पेंट कर लें। हाँ, वेबसाइट कैसे हो। अब गाइस बात आती है वेबसाइट, हमें पता चल गई वेबसाइट क्या होती है, कैसे वर्क करती है। तो हमने वेबसाइट की परिभाषा में आप लोगों को बताया था कि वेबसाइट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, यानी जो हमारी वेबसाइट होती है वो वेब पेजेस से के संग्रह से बनती है। तो वेब पेजेस क्या हैं, तो वेब पेजेस एक रिटेन डॉक्यूमेंट होता है गाइस। जो हमारे वेब पेजेस होते हैं वो एक डॉक्यूमेंट है, जैसे हम टेक्स्ट की फाइल बनाते हैं, जैसे एमएस वर्ड की फाइल बनाते हैं, उसी तरह जो हमारा वेब पेज होता है वो एक डॉक्यूमेंट होता है, एक वेब पेज डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम HTML लैंग्वेज में लिखते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा जाता है, और उसको इंटरनेट ब्राउज़र पे हम लोग क्या करते हैं, देख सकते हैं, उस वेब पेज को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, अब अगर हमें कोई वेब पेज एक्सेस करना है तो उस वेब पेज का क्या होता है, एक URL होता है। गाइस, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं तो मान लीजिए अगर कॉमन कोई, जैसे ये आपके PDF की फाइल है, अब इसकी कहीं ना कहीं एक लोकेशन होगी और वो लोकेशन ही क्या कहलाती है, URL कहलाती है। जैसे इसकी लोकेशन इस समय कहाँ पे है, ये सी ड्राइव के यूज़र लिनो डेस्कटॉप पे ओ लेवल के नाम से बनी हुई फाइल है, इट मीन्स ये क्या है, URL है। इसी तरह हर वेब पेज का गाइस, हर वेब पेज का हर वो डॉक्यूमेंट, वेब पेज डॉक्यूमेंट जिसकी कोडिंग हमने किस में की है, HTML में की है, उसका URL हमारे सर्वर पर होता है। जब ये वेबसाइट बनती है तो इन वेब पेजेस को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। ठीक, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ वेब पेजेस कैन एक्सेस बाय एंटरिंग URL एड्रेस, उनका एड्रेस डाल के हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ठीक, और एक वेब पेज, जो वेब पेज बनता है, जो वेबसाइट बनती है, यहाँ चलिए हम एक वेबसाइट ले लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या डाला, facebook.com, हमने एड्रेस बार में डाला facebook.com। अब ये देखिए वेब पेज का जो ये पेज खुल के आया, यही वेब पेज है जिसकी कोडिंग किस में की गई है, HTML में की गई। ये आपका एड्रेस बार है जिस पे हमने क्या किया, सर्च किया। इस तरह से हम कोई भी वेब पेज क्या करते हैं, सर्च करते हैं। वेब पेजेस में क्या क्या हो सकते हैं, इट कंटेन टेक्स्ट मटेरियल, टेक्स्ट भी रख सकते हैं, जैसे अभी आपको हमने दिखाया कि यहाँ पे देखो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, नाम इनपुट फॉर्म बने हुए हैं, लोगो है, ये इमेज है। तो आपका वेब पेज क्या कर सकता है, टेक्स्ट को भी कंटेन कर सकता है, ग्राफिक्स को भी कंटेन कर सकता है, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है गाइस, मतलब कनेक्टिविटी, एक पेज से दूसरे पेज का कनेक्ट होना। जैसे यहाँ पे ये लिंक लगा हुआ है, देखो हाथ का निशान बन रहा है, आप लोग अगर देख पा रहे हैं तो ठीक, जहाँ हमने किया ये, अगर हमने इस पर क्लिक किया तो देखो ये वेब पेज फिर से वापस होम पे ला दिया, यानी ये लिंक्ड है। जब हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे तो इसी तरह पेजों को लिंक करें। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है खाता भूल गए, मतलब फॉरगेट अकाउंट, अगर आपको अकाउंट नहीं पता, अब ये अकाउंट वाले पेज पे आपको लेके जाएगा, यानी दूसरा वेब पेजेस इससे कनेक्ट हुए। तो गाइस आपको मेरे बात समझ में आ गई होगी कि अब वेब पेजेस आर वेब डॉक्यूमेंट कॉमनली रिटर्न इन HTML लैंग्वेज,
वेब पेजेस या वेब पेज डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो सामान्यतया किसमें लिखे रहते हैं? HTML में, HTML में लिखे जाते हैं। और इसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? इंटरनेट ब्राउज़र चाहिए होता है। ठीक, अ वेब पेज कैन बी एक्सेस बाय एंटरिंग द URL एड्रेस। कोई भी वेब पेज हम तभी देख सकते हैं जब हम उसके URL को इंटर करेंगे, कहाँ? वेब ब्राउज़र के सर्च इंजन। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट है, अ वेब पेज मेन कंटेन। जो वेब पेज होता है वो क्या कंटेन कर सकता है, क्या क्या रख सकता है? तो आपका वेब पेज टेक्स्ट कंटेंट को रख सकता है, ग्राफिक्स को रख सकता है, ठीक, वीडियो, एनिमेशन, ये सारी चीज़ें आपके किस में आ जाएंगी? आपके वेब पेज। ठीक गाइस, चलिए अब बात करते हैं किसी वेबसाइट का फ्रंट एंड क्या होता है। ये गाइस बहुत ही बेसिक चीज़ है जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं फ्रेंड, उसके दो भाग होते हैं, दो होते हैं, एक होता है आपका फ्रंट एंड और दूसरा होता है बैक एंड। जैसे आप कहते हैं ना, एक सिक्के के दो भाग, दो पहलू, एक में कुछ बना रहता है डिज़ाइन, दूसरे साइड में दूसरी डिज़ाइन, सेम तरह की दोनों चीज़ें एक नहीं हो सकती। इसी तरह वेबसाइट का फ्रंट एंड अलग होता है और बैक एंड अलग होता है। जो फ्रंट एंड होता है वो यूज़र इंट्रैक्ट होता है, यूज़र देखता है, जो पेजेस को जितना आप अट्रैक्टिव बनाते हैं, वो टेक्स्ट, कलर, बटन, इमेज, नेविगेशन, मीनू, कितना स्टाइलिश वो क्या बना रहा है, जो हम फ्रंट एंड में देखते हैं। जैसे अभी हमने आपको फेसबुक दिखाया, फेसबुक के ऊपर पट्टी थी, उसने फेसबुक का लोगो लगा रखा था। अब उनकी सोच, उन्होंने अपने आप को इतने तक सीमित रखा, वो चाहे तो फ्रंट एंड जो सामने यूज़र को इंट्रैक्ट कर रहा है वहाँ और भी कुछ फोटोज़ डाल सकते हैं, इमेजेस डाल सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये सबके अपनी अपनी अलग आइडियाज़ हैं, अपने अपने विचारधारा हैं, कौन किसको कौन सा कलर पसंद है, कौन सा नहीं है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको यही कलर यूज़ करना है या आपको यही इमेज यूज़ करना है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। अदर लैंग्वेजेस में हम लोग क्या करते हैं, बाउंडेशन में बंधे होते हैं। आप लोगों ने सी पढ़ा होगा, सी प्लस प्लस पढ़ा होगा, जावा पढ़ा होगा, सबके सब केस सेंसिटिव। अपर लिख रहे हो तो अपर लिखो, लोअर लिख रहे हो तो लोअर लिखो, दोनों वो मिक्सअप नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, अपर हो चाहे लोअर हो, चाहे दोनों को मिला दो, कोई मतलब नहीं है। इसीलिए कहा था मैंने कि HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो आपके टेक्स्ट को क्या करता है, कन्वर्ट करता है, हाइपर टेक्स्ट उसका मार्क कर देता है। अगर आपने रेड लिख दिया, आप रेड आपने चाहे स्मॉल में लिखा हो चाहे उसमें लिखा हो कैपिटल में, उसको फर्क नहीं पड़ता, रेड आपने लिख दिया तो वो रेड कर देगा, कलर नेम आपने कुछ भी दिया ले ले। तो ये फ्रीली आपकी लैंग्वेज। तो जो फ्रंट एंड होता है वो क्या करता है, यूज़र को अट्रैक्ट करता है, यूज़र के इंटरेक्टिव होता है, यूज़र उसको इम्प्रूव कर सकता है, वो अपने अनुसार उसमें टेक्स्ट, कलर, बटन, इमेज और सारी चीज़ों को परिवर्तन कर देता। लेकिन गाइस अगर हम बात करें किसकी, बैक एंड की, यानी बैक एंड जो कि सर्वर साइड होता है। गाइस यहाँ पे बात हुई कि फ्रंट एंड को तो हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, हम बना सकते हैं, हम उसमें कंटेंट डाल सकते हैं, लेकिन बैक एंड में हमने ये
वो पोजीशन होती है, वो हमारे वेबसाइट की वो पोजीशन है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम नहीं कर सकते। गाइस एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ, वो एग्ज़ाम्पल ये है कि हम लोगों ने सबने एंड्रॉयड फ़ोन रखा हुआ है। एंड्रॉयड फ़ोन में क्या क्या फीचर हैं, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा जो सिस्टम एप्लीकेशन का वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका पड़ा हुआ है, उसके जो फीचर हैं यूज़ करते हैं, फीचर तो हम देख रहे हैं कि कैमरा है, फ़ोन का है, कॉन्टैक्ट का है, गैलरी है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब वही चीज़ अपडेट होती है, जब आपका ओएस अपडेट होता है, तो अपडेट में क्या परिवर्तन किया गया है बैकएंड में, क्या आपको दिखाई देता है? क्या अपडेट आने के पहले आपको पता होता है कि ये परिवर्तन हो रहे हैं? नहीं ना। जब अपडेट आता है और आप उसको इंस्टॉल करते हो फिर से, तब जाके वो अपडेट आपको दिखते हैं। और जब वो अपडेट आपको दिखते हैं तब जाके आप उसको यूज़ करते हो। तो जो ये सर्वर साइड, जो ये बैक एंड होता है वेबसाइट का, इसी तरह होता है, जिस पे कोई भी यूज़र उसको नहीं करता। ये क्या करता है कि ये हमारे जो इंफॉर्मेशंस होती हैं, जो ये बैक एंड होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक फॉर्म बनाया इंक्वायरी का वेबसाइट पे, आपने इंक्वायरी लिया, अब वो इंक्वायरी कहीं ना कहीं डेटाबेस में सेव होती होगी। तो ये बैक एंड का काम है, जो वेबसाइट का बैक एंड होता है वही इसके लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अब वो रिस्पॉन्सिबल है कि उसको क्या करता है, स्टोर करता है, ऑर्गेनाइज करता है कि किस वे में कैसा डेटा है। अब पता चला मोबाइल नंबर आपने डाला, नाम किसी और का आ गया है, ऐसा नहीं है, आपने इंक्वायरी फॉर्म भरा तो आपके डेटा को पहले उसने क्या किया, स्टोर किया, फिर दूसरा डेटा आया, दूसरे ने इंक्वायरी ली तो दूसरा का हुआ, ठीक। तो ये जो सर्वर साइड यानी वेबसाइट का बैक एंड होता है, ये क्या करता है, स्टोर करता है, ऑर्गेनाइज करता है, और हर चीज़ को क्या करता है, डिफाइन करता है कि जिस पे यूज़र क्या करना चाहता है, वर्क करना चाहता है। तो गाइज हर वेबसाइट के आपके दो भाग मिलेंगे, एक आपको मिलेगा फ्रंट एंड, जिसको आप यूज़र के अकॉर्डिंग, यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग इंटरेक्टिव बना सकते हैं, जिसको खूबसूरती आप दे सकते हैं, जिसके लिए आप लैंग्वेजेस पढ़ते हो, HTML, CSS, Java, AngularJS, ये सारी चीज़ें आपको फ्रंट एंड बनाने के काम में आ जाए। लेकिन अगर यही चीज़ अगर बैक एंड में है, तो जैसे आपका PHP यूज़ होता है, Python यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें अदर लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, जो क्या करती हैं बैक एंड में, जो इन डेटा, जो यूज़र वर्क एक्चुअली जो यूज़र वर्क कर रहा है उनके इंफॉर्मेशन को गैदर करने, ठीक। तो गाइस आई होप कि आपको वेबसाइट का फ्रंट एंड और बैक एंड पता हो। यही चीज़ हम लोग सीखेंगे कि फ्रंट एंड कैसे बनाएं और कैसे फिर बैक एंड मैनेज करें। इसीलिए नीलिट ने आपके कोर्स को क्या कर दिया है, मॉडिफाई किया है, चेंज किया है। अभी तक केवल HTML था जिसमें ढंग से फ्रंट एंड भी नहीं बनता था, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन इट इज़ द बेस, वो कहते थे चलो बेस आ गया, लेकिन अब जो आपके सिलेबस में हो वो आपकी कंप्लीटली वेब डिज़ाइन। चलिए गाइस इसमें हम लोग बात करें कि ये चीज़ें तो हम जान गए, लेकिन इसमें कुछ लैंग्वेजेस जो यूज़ करेंगे, जैसे अभी हमने आपको कहा कि बैक एंड में हम PHP, Python, Ruby या ये सब लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या है, तो दो चीज़ें होती हैं, एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है और एक क्लाइंट साइड। तो इसी को यहाँ पे हमने डिफाइन किया है कि
सर्वर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं? तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में अगर बात करें तो ये वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो क्या करता है, कोड को प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि जो हमारा वेबसाइट बन रहा है या जो हमारा ऐप बन रहा है या जो हमारा सॉफ्टवेयर बन रहा है वो सर्वर पे चलाने के लिए। ठीक, ऐसे लैंग्वेजेस जो कि सर्वर पे वर्क करने के लिए, सर्वर पर मतलब सर्वर पे जाना नहीं है, जो हम सॉफ्टवेयर जो वेबसाइट या जो ऐप बना रहे हैं वो कैसे सर्वर पे वर्क करेगा, ठीक, उसी को कहते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जैसे PHP है जो कि ज़्यादातर वेब डिज़ाइनिंग में, पाइथन है इसका भी इस्तेमाल आप वेब डिज़ाइनिंग में कर सकते हो, साथ ही साथ ऐप बना सकते हो, जावा है, C++ है, C# है, कोल्ड फ्यूज़न है, ये सारे लैंग्वेज हैं जो कि बैक एंड पे यानी सर्वर साइड पे काम करते हैं। ठीक, अगर गाइज हम क्लाइंट साइड की बात करें तो अभी हमने आपको क्या बताया कि क्लाइंट साइड के जो लैंग्वेजेस होती हैं वो क्या करते हैं कि वो यूज़र के इंटरेक्टिव होती हैं, यूज़र के अकॉर्डिंग होती है, यूज़र उसको बनाता है, यूज़र परफॉर्म करता है, तो यूज़र को ही क्लाइंट बोला जाता है, इसलिए इसको इन सब को क्या बोलते हैं, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जैसे HTML हो गया, CSS हो गया, जावा हो गया, इनसे हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग यूज़र यानी क्लाइंट वो क्या करेगा, वो इनको मैनेज कर सकता है, डेटाबेस बना सकता है, अपने एलिमेंट को यूज़ कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, आपके क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहलाती हैं। ठीक, तो सर्वर साइड और क्लाइंट साइड में कोई फ़र्क तो नहीं है, मतलब बैक एंड पे जो लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं उनको सर्वर साइड और जो फ्रंट एंड पे यूज़ होती हैं उनको क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं। ठीक, अब गाइस बात करते हैं कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होते हैं। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट आपके वो वेबसाइट है गाइस, हमारे पास अलग अलग तरह के डिवाइस हैं, किसी के पास लैपटॉप होगा, किसी के पास डेस्कटॉप होगा जिसकी स्क्रीन बड़ी होगी, ठीक, किसी के पास टैबलेट होगा, किसी के पास मोबाइल होगा, तो डिफरेंट टाइप के डिफरेंट मेज़र के आपके स्क्रीन डिस्प्ले हो सकते हैं। तो इन सब स्क्रीन्स पे जो पहले वेबसाइट बनती थी वो रिस्पॉन्सिव नहीं होती थी, तो कुछ साइटें चलती थी, कुछ साइटें नहीं चलती थी, फिर धीरे धीरे उसमें परिवर्तन किया गया। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जो होती हैं वो क्या करती हैं कि वो हमारे डिवाइस के अनुसार यानी हमारे डिवाइस के डिस्प्ले के अनुसार साइट को क्या करते हैं, एडॉप्ट कर लेते हैं। मतलब जो साइट हमने बनाई है, जो वेबसाइट बनाई हुई है, वो 32 इंच के स्क्रीन पे भी उसी तरह चलेगी, 16 इंच के स्क्रीन पे भी वही चलेगी, 19 इंच पे वही चलेगी, मतलब डिफरेंट टाइप के मॉनिटर पे सब एक ही फैसिलिटी दे। तो जो आपका रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होता है वो क्या होता है कि ये हमारे डिवाइस के कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके डिस्प्ले की कैपेसिटी कितनी है, उसके अनुसार अपने साइज को, अपने वेबसाइट के प्रारूप को उसी के अनुसार चेंज कर देता है। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है, अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट इज़ अ वन ऑफ दैट हैज़ बीन डिज़ाइन टू रिस्पॉन्ड या आर अडॉप्ट बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी एंड टाइप ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस यूज बाय विजिटर डिस्प्ले साइट। इट इज़ बेसिकली वन वेबसाइट डिज़ाइन दैट विल लुक गुड एनी साइज ऑफ लार्ज डेस्कटॉप या LCD मॉनिटर या स्मॉलर स्क्रीन वी यूज ऑन स्मार्टफोन और टैबलेट। ठीक गाइस, तो ये होता है हमारा
रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ और रह गई गाइस कि वेबसाइट होते कितने तरह। वेबसाइट गाइस दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट क्या होते हैं? ऐसे वेबसाइट गाइस जो फिक्स्ड होते हैं। ये क्या होते हैं कि इनकी जो कोडिंग होती है वो जनरली HTML CSS में होती है, और ये जो होते हैं ये परिवर्तन आप करोगे, चेंजेस जो इन्फॉर्मेशन आपने डाली वो इन्फॉर्मेशन चेंज करोगे तभी चेंज हो। ठीक, कहने का मतलब इसमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन और आपके क्या होते हैं कि लिमिटेड फिक्स्ड वेब पेजेस होते हैं जिनको यूज़र को चेंज करना होता है। यूज़र फिर से उसकी कोडिंग करेगा, उसको चेंजेस करना है। ठीक, तो स्टैटिक वेबसाइट क्या होते हैं? नंबर ऑफ फिक्स्ड पेजेस होते हैं, और ज़्यादातर ये किस में लिखे जाते हैं? HTML में लिखे जाते हैं, CSS में। ठीक है, और डायनेमिक वेबसाइट जो इसका दूसरा भाग है, डायनेमिक वेबसाइट वो ऑटोमेटिकली चेंज, उसके कंटेंट वेब पेज में चेंज होते हैं। जब कोई वेब पेज रन कर रहा है, चल रहा है, और आपने परिवर्तन किया, जैसे नोटिफिकेशन होता है सरकारी रिजल्ट पे, हम लोग देखते हैं ना, नोटिफिकेशन आता है, अगर वो चीज़ स्टैटिक बनी होती, वेबसाइट आपकी स्टैटिक होती, तो उसको आपको चेंज करते तो आपको पहले नहीं दिखती, बाद में दिखती, जब चेंज होने के बाद, जब वो फिर से रन कराई। लेकिन डायनेमिक वेबसाइट में हम जो यूज़र ब्राउज कर रहा है, देख रहा है, और उसमें परिवर्तन तो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है। ठीक, इसमें गाइस सेम चीज़ है, HTML CSS यूज तो होगा, लेकिन साथ ही साथ ये कॉमन गेटवे इंटरफेस CGI यूज करता है, और लैंग्वेजेस जैसे AJAX, ASP.NET, Perl, PHP, ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। इससे क्या होता है कि इससे आपके जो परिवर्तन होते रहते हैं वो चलते रहते हैं, ऑटोमेटिकली वो अपडेट होता रहता है। तो गाइस आज हम लोगों ने इस वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट को ख़त्म किया है। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने देखा कि इंटरनेट क्या है, www क्या है, वेबसाइट क्या है, वेबसाइट कैसे वर्क करती है, ठीक, वेबसाइट वेब पेजेस क्या हैं, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है गाइस, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होती है, और टाइप ऑफ वेबसाइट कैसे होती है। इन सब को बताने का मेन पर्पस है कि जब आप वेबसाइट डेवलपर के रूप में काम कर रहे हो तो आमदनी के अनुसार ही वेबसाइट आप बनाएं। अगर आपको पैसे कम है, अगर कोई यूज़ कहता है कि भाई हमें स्टैटिक वेबसाइट बनवानी है तो उसका कम चार्ज होता है, कोई कहेगा भाई हमें डायनेमिक वेबसाइट बनवानी है तो वो चीज़ आपको अधिक पैसे। तो ये तो बात एक इनकम की होती है कि हम अपने जो वेबसाइट बनाएंगे किस हिसाब से, यूज़र के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी वेबसाइट को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। तो आई होप गाइस इंट्रोडक्शन पार्ट आपको, जो आपको सीखना है, जो हमको पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन की हुई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एडिटर्स क्या हैं, और एडिटर्स कैसे हम उसको डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, और एडिटर्स कैसे वर्क करता है, उस पर कोई फाइल कैसे बनाई जाती है, वो सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। देन आफ्टर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना HTML से शुरुआत करें। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग बाइंडी ट्यूब प्रयागराज। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिखाए हैं, जो वीडियो दिखाए, उसमें हमारा नंबर है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं।
या विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पे bindytech.in। हमारा यूट्यूब चैनल आपको पता है BindyTube प्रयागराज। जो नए स्टूडेंट हैं जो ओ लेवल को क्रैक करना चाहते हैं, जिसमें पूरे डिटेल सिलेबस हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, वो यहाँ के YouTube चैनल से हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे क्लासेस को कंटिन्यू हमारे ऐप के द्वारा भी कर सकते हैं, जो कि आपको प्ले स्टोर पर BindyTube प्रयागराज के नाम से मिलेगा। तो थैंक यू गाइस।